फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पोस्ट लॉन्चिंग ऑफर के बारे में, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 250 स्टूडेंट बचे हैं फ्रेंड्स जो कि इस ऑफर का और फायदा उठा सकते हैं, जिनको मिल रहा है 25% ऑफ। तो फ्रेंड्स अभी ऑर्डर कीजिए इस कोर्स को और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। और फ्रेंड्स आपके पास पेन ड्राइव के ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं कि पेन ड्राइव में तो आपको पेन ड्राइव में मिल सकता है फ्रेंड्स। और साथ में फ्रेंड्स अगर आपको एससी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो wifistudy.com/ssc टाइप कर सकते हैं, बैंकिंग के लिए wifistudy.com/banking टाइप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आप कॉल भी कर सकते हैं 7023336 75 के ऊपर। सो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 250 स्टूडेंट बचे हैं, तो जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है प्री इमिनेंट। प्री इमिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सर पासिंग ऑल अदर्स, वेरी डिस्टिंग्यूस्ड इन सम वे। तो जो उच्चतम होता है या उत्तम होता है या फिर सर्वश्रेष्ठ होता है, ओके, जो बहुत ही ग्रेट होता है उसको अपन बोलते हैं प्री इमिनेंट। सिनोनिम देखिए, ग्रेटेस्ट, फॉरमोस्ट, बेस्ट, चीफ, आउटस्टैंडिंग, कंसामेट और डिस्टिंग्यूस्ड, प्रोमिनेंट या फिर पीयरलेस। ओके, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीयरलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एंटीनम, इन एसेंशियल, इन्फीरियर, इनसिग्निफिकेंट या फिर माइनर। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, मिस्टर माइकल्स इज ऑलवेज विनिंग अवार्ड्स बिकॉज ही इज अ प्रीमिनेंट मेडिकल रिसर्चर इन द कंट्री। यानी कि जो माइकल है उनको हमेशा अवार्ड मिलते रहते हैं क्योंकि वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मेडिकल रिसर्चर है अपने देश के अंदर। देखते हैं इसका ओरिजिन, लैटिन वर्ड से फ्रेंड्स का ओरिजिन प्रीमिनेंट से, जो इसका मतलब है टावरिंग अबव, एक्सीलिंग यानी कि एक्सीलिंग, ओके, टावरिंग अबव या फिर एक्सीलिंग। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, प्रोमिनेंट लोग प्रीमिनेंट होते हैं। तो देखिए, प्रोमिनेंट तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, आपको पता होगा। प्रोमिनेंट लोग वो होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं अपने काम की वजह से, ओके, उनको अपन प्रोमिनेंट कहते हैं। तो प्रोमिनेंट लोग कैसे होते हैं, प्रीमिनेंट होते हैं। प्रोमिनेंट, प्रीमिनेंट, देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। तो ये लोग कौन होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उत्तम। जैसे कि देखिए, राहुल द्रविड़, आमिर खान, दो अपनी अलग अलग फील्ड के ग्रेटेस्ट लोग, ओके, लेजेंड। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं कि प्रोमिनेंट लोग प्रीमिनेंट होते हैं यानी कि सर्वश्रेष्ठ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा एक नाउन है जिसका मतलब है एन इलैबोरेट एंड स्पेक्टेकुलर एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन, अ लाविश और स्पेक्टेकुलर शो और इवेंट, पेतु का काम या फिर व्यवहार। तो कोई ऐसा एंटरटेनमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगाया गया हो, स्पेक्टेकुलर हो, इलैबोरेटेड हो, लाविश तरीके से उसको बनाया गया हो, उसको अपन एक्स्ट्रावेगेंजा कहते हैं। जिसको दूसरी लैंग्वेज में कोई बेकार व्यवहार करना, बेतु का काम करना, उसको वो भी कहते हैं। सिनोनिम देखिए, स्पेक्टेकुलर, कैरिकेचर या फिर शो। तो ये कैरिकेचर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं एग्जांपल, क्रिकेट सिनिक्स ऑलवेज कंसीडर्ड आईपीएल एज एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ क्रिकेट। यानी कि जो क्रिकेट के नॉलेजेबल लोग हैं वो आईपीएल को कैसा मानते हैं, एक बहुत ही एंटरटेनिंग क्रिकेट मानते हैं सिर्फ, बहुत ही, जो कि एक अलग से स्टार्ट कर दिया हो बेतु का काम। रिलेटेड वर्ड देखिए, एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि लैकिंग रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, यानी कि बहुत दिल खोल के स्पेंड करना पैसे को, रिसोर्सेज को, उसको अपन एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। ओरिजिन कहाँ से, इटालियन वर्ड से एक्स्ट्रावेगेंजा। ठीक है, देखते हैं इसके ट्रिक, एक्स्ट्रा बोलती है ब्रिगेंजा आंटी, एक्स्ट्रावेगेंजा करती है। तो देखिए, इस मूवी के अंदर जो ये अर्चना है इनका नाम ब्रिगेंजा था, तो अगर अपन एक बार ये अज्यूम कर ले कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं था मूवी में, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव रोल था इस मूवी के अंदर, लेकिन अपन एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि इनका नेगेटिव रोल था और ये बहुत ही बेतुका काम करती थी, ओके, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा बोलती है ब्रिगेंजा आंटी, एक्स्ट्रावेगेंजा करती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट करना जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेतुका काम करना, उस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ब्रिगेंजा को एक्स्ट्रावेगेंजा से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस मूवी में इनका काम भी यही था कि बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने एंटरटेनमेंट किया, प्रोडक्शन किया, ओके, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा बोलती है ब्रिगेंजा आंटी, कैसी है, एक्स्ट्रावेगेंजा करती है, यानी कि बहुत ही बेतुका व्यवहार या फिर काम करती है। नेक्स्ट वर्ड अपना ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन एक नाउन है जिसका मतलब है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और बीइंग चेंज, परिवर्तन करना। तो किसी भी चीज के अंदर परिवर्तन लाना, उसको मॉडिफिकेशन करना, उसको अपन ऑल्ट्रेशन कहते हैं। सिनोनिम देखते हैं, चेंज, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन, अमेंडमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटामॉर्फोसिस। और एंटोनिम से इसके सेमनेस या फिर स्टैग्नेशन। तो ये मेटामॉर्फोसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना। अमेंडमेंट तो पॉलिटी में आपने पढ़ाई होगा, कोई भी चीज को चेंज करना लॉ को। देखते हैं इसका एग्जांपल, द न्यू वर्जन ऑफ द वोकैब 24 ऐप हैज एन अल्टरेशन दैट मेक्स इट मोर यूजर फ्रेंडली। यानी कि जो नया वर्जन आया है वोकैब 24 ऐप का, जो कि आप सभी यूज करते हैं, ओके, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं जिसने उसको और यूजर फ्रेंडली बना दिया है। तो अल्टरेशन मतलब चेंज करना।
वर्ब फॉर्म देखते हैं, अल्टर, ऑल्टर्ड एंड ऑल्टर्ड। रिलेटेड वर्ड क्या है? ऑल्टर यानी कि मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड से ही, ऑल्टर वर्ड से ही है, जिसका मतलब है बदलना कोई चीज़ को। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। पैंट को ऑल्टर कराना मतलब ऑल्टरेशन करना। तो देखिए, आप सभी ने कभी कोई पैंट ली होगी तो उसका साइज आपका पास बड़ा आ गया होगा, तो आप लोग क्या करते हैं, अक्सर उसका ऑल्टर करवाते हैं। ऑल्टर कराने का मतलब क्या होता है? ऑल्टरेशन करवाना, यानी कि उसके अंदर चेंजेस करवाना। तो जो ये कॉमन सा वर्ड है जो कि सभी यूज में लेते हैं कि पैंट को ऑल्टर करवा रहे हैं, तो ऑल्टर अपने आप में एक वोकैब है, ओके, जो कि आप ग्रैब कर सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं कि ऑल्टर करवा रहे हो यानी कि पैंट में चेंज करवा रहे हो यानी कि ऑल्टरेशन करवा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है अपना इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है नॉट केपेबल ऑफ बींग इमेजिन और ग्रैब्ड मेंटली, काल्पनित या फिर समझ से बाहर। तो कोई भी ऐसा काम जो कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, तो अगर ऐसा कोई काम हो रहा है, चीज़ हो रही है, तो उसको अपन इनकंसीवेबल कहते हैं। ओके, सिनोनिम देखिए, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, एक्सट्रीमली अनलाइकली। और एंटोनिम्स है बिलीवेबल, कंसीवेबल, क्रेडिबल या फिर इमेजिनेबल। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इट इज इनकंसीवेबल दैट नो वन सॉ द मर्डर टेक प्लेस इन अ क्राउडेड पार्क। यानी कि ये बात बिल्कुल भी मानने के बाहर है कि किसी ने भी मर्डर करते हुए नहीं देखा जबकि वो बहुत ही क्राउडेड पार्क था। ओके, देखिए कंसीवेबल तो आपको पता ही है, कंसीवेबल देखिए इसका उल्टा है जिसका मतलब कोई भी चीज़ जो कि आप समझ सकते हो। इसके आगे इन लग गया है जो कि एक रूट वर्ड है, तो यानी कि इसका उल्टा हो गया, इनकंसीवेबल यानी कि समझ से बाहर। रिलेटेड वर्ड देखते हैं इनकंसीवेबिलिटी यानी द स्टेट ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल टू कंसीव। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए, कौन एबल होगा इस लॉक को तोड़ने में, वो हम इनकंसीवेबल करते हैं। तो देखिए, किसी ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके इसमें लॉक फिट किया है, तो कौन एबल होगा इस लॉक को क्या करने में, तोड़ने में, हम ये चीज़ क्या करते हैं, इनकंसीवेबल करते हैं। यानी कि ये चीज़ हमें हमारे समझ से बाहर है कि कोई इस लॉक को तोड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए कौन भी आ रहा है, एबल भी आ रहा है, इस तरीके से अपन इसको लेट कर रहे हैं कि कौन एबल होगा इस लॉक को तोड़ने में, वो हम इनकंसीवेबल करते हैं, यानी कि हम इस पर बिलीव नहीं करते हैं। पीटर आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू ड्विडल या फिर कमजोर हो जाना। तो कभी भी कोई भी चीज़ जब कमजोर हो जाती है तो अपन उसको ड्विडल, तो अपन नॉर्मली यूज में लेते हैं वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। ठीक है, एब, रिसीड, वेन, ओके, अबेड, अबेड करना, लेसन करना, डिमिनिश करना। तो यहाँ पे देखिए, ये वर्ड जो है मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं ये सभी वर्ड, एब, रिसीड, वेन, अबेट, सबका मतलब है कोई भी चीज़ को कम करना या फिर लेसन हो जाना, कमजोर हो जाना। एंटोनिम से इंक्रीज, राइज, डेवलप या फिर ग्रो। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आई पीटेड आउट टूवर्ड्स द एंड एंड लॉस द रेस, यानी कि मैं कमजोर हो गया एंड में और रेस को हार गया। वर्ब फॉर्म्स देखते हैं, पीटर आउट, पीटर्ड आउट एंड पीटर्ड आउट। और ट्रिक क्या है? बहुत आसान ट्रिक है। केविन पीटरसन के आउट होते ही टीम पीटर आउट हो गई। तो देखिए, केविन पीटरसन का आपने सभी ने नाम सुना होगा, इंग्लैंड के बहुत अच्छे बैट्समैन है, ओके, अब तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, साउथ अफ्रीका के थे ये लेकिन इंग्लैंड से खेला करते थे। तो केविन पीटरसन कैसे थे? बहुत अच्छे बैट्समैन थे। तो क्या हुआ, केविन पीटरसन के आउट होते ही टीम कैसे हो गई? पीटर आउट हो गई। तो देखिए, पीटर भी है, आउट भी है, और क्या हो गई? पीटर आउट हो गई, यानी कि कमजोर हो गई, क्योंकि बहुत अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि केविन पीटरसन के आउट होते ही टीम पीटर आउट हो गई, यानी कि कमजोर हो गई। कर्नल, कर्नल एक नाउन है जिसका मतलब है सेंट्रल पॉइंट ऑफ समथिंग, मुख्य बिंदु। तो कोई भी किसी चीज का जो कोर होता है, एसेंशियल पार्ट है, उसको अपन कर्नल कहते हैं। सिनोनिम देखिए, एसेंस, कोर, एसेंशियल पार्ट, क्वार्टेंस, फंडामेंटल या फिर क्रक्स। यहाँ पे ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स क्या है? एक्सटीरियर या फिर सर्फेशियल। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। वी रियली नीड टू गेट टू द कर्नल ऑफ द प्रॉब्लम टू सॉल्व इट इमीडिएटली, यानी कि हमको उसके सेंटर में जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम के कोर में जाना पड़ेगा अगर उसको सॉल्व करनी है तो जल्दी से। ओरिजिन कहाँ से? डिमिनेटिव ऑफ कॉर्न, कॉर्न से इसका मतलब निकला, कॉर्न एक सीड होता है कॉर्न का, उससे यानी कि सेंट्रल पार्ट होता ही है, उससे इसका मतलब बना है। देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, कर्नल एक रेजिमेंट के कर्नल होते हैं। तो देखिए, कर्नल कौन होते हैं? एक रेजिमेंट के कौन होते हैं? इंचार्ज होते हैं, ओके। एक रेजिमेंट के इंचार्ज कौन होता है? कर्नल होते हैं। तो कर्नल को अपन क्या बोल रहे हैं कि कर्नल एक रेजिमेंट के कर्नल होते हैं, यानी कि सेंटर पार्ट होते हैं, बहुत ही एसेंशियल पार्ट होते हैं। तो देखिए, कर्नल और कर्नल दोनों ही वर्ड कितने सिमिलर है, और आपको पता है कि एक रेजिमेंट का हेड इंचार्ज कौन होता है? कर्नल होते हैं। तो कर्नल क्या होते हैं इस रेजिमेंट के? कर्नल होते हैं, यानी कि मुख्य बिंदु होते हैं। एक्रीमनी, एक्रीमनी का एक नाउन है जिसका मतलब है बिटरनेस और इल फीलिंग, कड़वाहट। तो एक्रीमनी का मतलब है किसी भी चीज़ में कड़वाहट आना, रिश्तों में कोई भी आपका जो फूड मटेरियल है उसके अंदर, तो उसको अपन एक्रीमनी कहते हैं। सेम देखते हैं, बिटरनेस, रैंकर, इल विल, एनिमोसिटी, एक्रिडनेस या फिर एस्पिरिटी। तो यहाँ पे ये सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है,
पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, रैंकर, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी तो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ओके, ये सब तो यूपीएससी, ये दोनों वर्ड तो यूपीएससी के फेवरेट में से है। और एसएससी में एक्रिडनेस और ये रैंकर, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एंटीनम्स, गुडविल, लव, बेनिवलेंस या फिर लाइकिंग। ओके, यहाँ पे बेनिवलेंस भी ध्यान रखना है। देखते हैं एग्जाम्पल, डिस्पाइट द एक्रीमोनियस रिलेशनशिप आई हैव विथ माई बॉस, ही रेस्पेक्ट माई क्वालिटी ऑफ वर्क। यानी कि जबकि मेरे रिलेशनशिप मेरे बॉस के साथ में बहुत ही कड़वाहट है, भरे हैं, फिर भी वो मेरे काम की रेस्पेक्ट करते हैं। रिलेटेड वर्ड क्या है, एक्रीमोनियस, यानी कि एंग्री इन द टोन या फिर बिटर। और इसके ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है बिटर। ओके, देखते हैं इसके ट्रिक। आजकल मनी रिश्तों में एक्रीमोनी ले आता है, तो देखिए कितना सही रिलेट किया है अपन ने इसको, कि मनी आजकल क्या होता है, रिश्तों में कड़वाहट ले आता है, सभी को पता होगा। ओके, तो मनी के रिश्तों में क्या लाता है, एक्रीमनी ले आता है, यानी कि कड़वाहट ले आता है। ओके, इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि आजकल मनी रिश्तों में एक्रीमनी ले आता है, यानी कि कड़वाहट ले आता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिससर्विस, ये नाउन है जिसका मतलब है हार्मफुल एक्शन। ओके, सिनोनिम क्या है, डेट्रीमेंट, डिसफेवर, मिसचीफ या फिर इंजरी। और एंटोनिम्स है बेनिफिट, एडवांटेज, हेल्प या फिर फेवर। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल, यू हैव डन अ डिसर्विस टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री बाय मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेज। ओके, यानी कि एक पर्सन बोल रहा है किसी को कि आपने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है देश के लोगों को, कि क्या चीज करके, फॉल्स प्रोमिसेज करके। ठीक, देखते हैं, अच्छी सर्विस नहीं मिली तो डिससर्विस का केस किया। तो अगर देखिए कितना इजी वर्ड है, सर्विस तो आपको पता ही है, किसी को सर्विस आप देते हो, जैसे कि शोरूम वाले देते हैं सर्विस, अगर किसी ने अच्छी सर्विस नहीं दी तो आप क्या करोगे, और उसने पैसे भी ले लिए, तो आप उसको डिससर्विस का केस करोगे, यानी कि आपका जो नुकसान हुआ है गाड़ी का, उसका आप उसे केस करोगे। तो अच्छी सर्विस नहीं मिली तो आप डिस सर्विस का केस करोगे, यानी कि नुकसान हुआ, जो आपकी क्षति हुई उसका आप केस करोगे। इस तरीके से डिस सर्विस को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना कॉल फॉर। कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब है मेक नेसेसरी पब्लिकली आस्क फॉर और डिमांड। तो किसी भी चीज की आवश्यकता होने पर उसको कॉल करना, पब्लिकली डिमांड करना, उसको अपन कहते हैं कॉल फॉर। सिनोनिम देखिए, रिक्वायर, नीड, नेसेसिटेट, मेक नेसेसरी या फिर डिमांड। रैंटम्स क्या है, हैव या फिर पोजेस। देखते हैं एग्जांपल, दिस जॉब कॉल्स फॉर समवन विथ एक्सपीरियंस। और वह फॉर्म से कॉल फॉर एंड कॉल्ड फॉर, यानी कि ये जो जॉब है इसकी आवश्यकता है लोगों, किस चीज़ की आवश्यकता है, एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, कॉल करते हैं दोस्त को कॉल फॉर के वक्त, यानी कि जब अपन को रिक्वायरमेंट होती है तो अपन क्या करते हैं, कॉल करते हैं दोस्त को, कब, जब अपने को आवश्यकता होती है। ओके, आवश्यकता के वक्त, यानी कि कॉल फॉर के वक्त। ओके, इस तरीके से देखिए आसानी से याद कर सकते हैं, कॉल करते हैं दोस्त को कॉल फॉर के वक्त, यानी कि आवश्यकता या फिर नेसेसरी जब होती है कंडीशन, तब उस वक्त। आज का अपना लास्ट वर्ड है स्कर्ज। स्कर्ज एक नाउन है जिसका मतलब है थिंग्स दैट कॉजेस ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, परेशानी या आफत आना। तो जब आप परेशानी में होते हो, यानी कि स्कर्ज में होते हो। सिनोनिम देखिए, अफ्लिक्शन, बेन, कर्स, मिनेंस, इविल या फिर मिसफॉर्चून। तो यहाँ पे बेन इंपॉर्टेंट है, मिनेंस इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम से बेनिफिट, ब्लेसिंग या फिर बून। तो जैसे कर्ज का मतलब किसी को गलत होना, किसी को श्राप देना, वैसे बून का मतलब आशीर्वाद देना। देखते हैं एग्जांपल, मेनी साइंस फिक्शन एंड हॉरर मूवीज इंट्रोड्यूस सम टेरिफाइंग म्यूटेंट क्रिएचर हु बिकम्स द स्कर्ज ऑफ द सिटी। यानी कि कई सारी साइंस फिक्शन और हॉरर मूवीज में एक ऐसा टेरिफाइंग क्रिएचर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि परेशानी होता है पूरी सिटी के लिए, ऐसा होता ही है। वह फॉर्म देखते हैं स्कर्ज, स्कर्ज एंड स्कर्ज। रिलेटेड वर्ड क्या है, स्कर्ज, यानी कि बिकॉज ग्रेट सफरिंग टू। अब देखते हैं इसके ट्रिक, देखिए स्कर्ज करने पे भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो स्कर्ज आ गई। देखिए स्कर्ज का मतलब क्या है, स्कर्ज का मतलब कोई भी चीज़ को तलाशना। ओके, किसी भी डॉक्यूमेंट को, चीज़ को जो आपको सीरियसली थॉरली उस चीज़ को तलाशना। तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को तलाश रहे हो और आपको नहीं मिला तो क्या आ जाएगी, स्कर्ज आ जाएगी, यानी कि आफत आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, स्कर्ज जो वर्ड है इसको ही पूरे में रिलेट कर सकते हो। स्कर्ज करने पे भी नहीं मिले डॉक्यूमेंट तो स्कर्ज आ गई, यानी कि परेशानी आ गई आपके ढूंढने पे भी नहीं मिले। सो फ्रेंड्स, ये आज के अपने 10 वर्ड थे, वापस से अपन इन सभी को रिवाइज करेंगे। आज का अपना पहला वर्ड था प्रीमिनेंट, यानी कि प्रोमिनेंट लोग प्रीमिनेंट होते हैं, यानी कि ग्रेट होते हैं। एक्स्ट्रा बोलती है ब्रिगेंजा आंटी, एक्स्ट्रा ब्रिगेंजा करती है, यानी कि बेतुका व्यवहार करती है। पैंट को अल्टर कराना मतलब ऑल्ट्रेशन करना, यानी कि उसको चेंज करना। कौन एबल होगा इस लॉक को तोड़ने में, वो हम इनकंसीवेबल करते हैं, यानी कि मानते नहीं है, समझ से बाहर है। केविन पीटरसन के आउट होते ही टीम पीटर आउट हो गई, यानी कि कमजोर हो गई। कर्नल एक रेजिमेंट के कर्नल होते हैं, यानी कि सेंटर पार्ट होते हैं। आजकल मनी रिश्तों में एक्रीमनी ले आता है, यानी कि कड़वाहट ले आता है। अच्छी सर्विस नहीं मिली तो डिससर्विस का केस किया, यानी कि नुकसान का केस किया। कॉल करते हैं दोस्त को कॉल फॉर के वक्त, यानी कि आवश्यकता के वक्त। स्कर्ज करने पे भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो स्कर्ज आ गई, यानी कि बहुत ही आफत आ गई, परेशानी आ गई। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। हमने आपसे सिनोनिम पूछा था कंटिन्यूली का,
ओके, जिसका सही आंसर है डेरिजन। डेरिजन है जिसका मतलब है किसी को इंसल्ट करना, किसी के बारे में बुरा बोलना। ओके, तो नेगेटिव वर्ड है दोनों ही, तो ये इसका आंसर है और बहुत लोगों ने इसका आंसर सही किया है। ओके, बाकी सब तीनों बहुत ही आसान से वर्ड है। आज देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज आपको एंटीनम बताना है, मोस्ट अपोजिट बताना है, मार्क। ओके, मार्क ही आपका वर्ड है, MARQUEE, और आपके सामने चार ऑप्शन है, इन्फीरियर, इमिनेंट, फ्लैशी या फिर ट्रांजिएंट। ओके, और फ्रेंड्स आपको इसका आंसर कमेंट करके देना है यहाँ पे। और अभी देखते हैं ट्रिक बनाओ तो जाने, आज के जो हमने वर्ड दिया वो सेंग्विन दिया है, SANGUINE, ये आज का आपके लिए वर्ड है, इसको आपके ट्रिक बनानी है ताकि सभी को बेनिफिट मिले। और कल ओब्लिवियन हमने वर्ड दिया था, यानी कि भूल जाना, तो यहाँ पे दो बहुत अच्छी ट्रिक आई है सरोज कुमार जी की और साथ में विश्वकर्मा जी की। सरोज जी इन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक दी है, देखते हैं क्या है। ब्रेटली टेलीविजन से दूर होने के बाद सब उनको ओब्लिवियन करने लगे, यानी कि ब्रेटली को ओब्लिवियन, ओके, इससे इन्होंने रिलेट किया है। तो ब्रेटली टेलीविजन से दूर होने के बाद सब उनको ओब्लिवियन करने लगे, यानी कि सब उनको भूलने लगे। ओके, तो ब्रेटली टेलीविजन से दूर होने के बाद सब उनको ओब्लिवियन करने लगे, इसलिए यानी कि सब उनको भूलने लगे, इस तरीके से इन्होंने याद करवाया है। दूसरा है विश्वकर्मा जी का, इनका भी बहुत अच्छा है। लायन को देख कर सब ओब्लिवियन हो जाते हैं, यानी कि सब सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे ही आपके सामने लायन आता है तो आप फेंट हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लायन को ओब्लिवियन से रिलेट किया है। उम्मीद है आप इस तरीके से इस वर्ड को आसानी से याद कर लेंगे फ्रेंड्स। और आज का जो वर्ड है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी कमेंट करेंगे और इसको भी याद करने के तरीके बताएंगे। और इस तरीके से हमने आपको बताया था कि आपको सभी वर्ड के एक स्टेटमेंट बनाना है, ताकि इससे आपको हमेशा के लिए वर्ड याद हो जाए। तो घनश्याम जी ने और खुशबू सिंह ने बहुत अच्छी तरीके से इसका सेंटेंस बनाया, मैं यहाँ पे पूरा तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने सारे ही वर्ड कवर अप करें जो अपन ने यूज़ करे थे। ओके, डिराइड, असिमिलेट, सेंटिमोनियस, सबल्टन, तो सभी इन्होंने रिलेट करा है। तो ऐसे अगर आप भी कोशिश करेंगे फ्रेंड 10-15 मिनट अगर आप पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा इन वर्ड को याद कर लेंगे और फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन वर्ड को यूज करने में। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज लाते रहते हैं। साथ में जो हमारा कोर्स है ऑनलाइन कोर्स, उसको भी परचेस करना ना भूले, क्योंकि सिर्फ 250 स्टूडेंट रह गए हैं जो कि इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि 25% का फायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।